नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेम। मृत्यु, मौत, मरना, इस दुनिया को छोड़कर जाना, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। जिसका भी जन्म इस धरती पर हुआ है, वो एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर जरूर जाए। जिस तरह कोई ये नहीं बता सकता कि किस समय किस क्षण एक बच्चा दुनिया में आएगा, उसी तरह कोई भी ये नहीं बता सकता कि किस समय किस क्षण एक व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा। इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि किस दिन एक इंसान इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे कुदरत कुछ संकेत देती है। वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि जब एक इंसान मृत्यु के निकट होता है तो उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं, जिनकी वजह से ये समझा जा सकता है कि वो मृत्यु के निकट है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसे अपने मृत परिजन अपने आसपास नज़र आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जो लोग उसके परिवार के, उसके मन के पास के, उसे छोड़कर जा चुके हैं, वो उसके आसपास ही हैं। वो आसमान से कहीं उसको आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं। वो उनकी मौजूदगी को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसे आसमान के चांद में दरार नज़र आने लगती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा दिखना नकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसका यह अर्थ होता है कि वो व्यक्ति मृत्यु के निकट है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो व्यक्ति की परछाई उसका साथ छोड़ देती है। इसका यह अर्थ है कि व्यक्ति की परछाई तेल, पानी या रोशनी में नहीं दिखाई देती। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरने के निकट होता है, मृत्यु के निकट होता है, तो उसे अपने जिंदगी भर के किए गए अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसने जिंदगी में कितनी सारी गलतियां करी हैं, जिन्हें वो अब चाह कर भी नहीं सुधार सकता। उसके मन में एक अपराध बोध पैदा हो जाता है जो कि उसे सताने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आज जिंदगी अलग होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग जिंदगी में अच्छे काम करते हैं, अपना मन साफ रखते हैं, वो जब मृत्यु के निकट होते हैं तो उन्हें एक सुनहरी किरण के होने का एहसास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति को चांद और सूरज की रोशनी ना दिखाई दे और हर वक्त आग का भ्रम हो तो ऐसा मानना चाहिए कि वो मृत्यु के निकट है। जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उसे आसमान का रंग नीला नहीं, लाल दिखाई देने लगता है। उसे रंगों का भ्रम भी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उसकी आंखें अपने आप ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। इस विषय पर कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं। वैज्ञानिकों की माने तो जब इंसान मृत्यु के करीब होता है तो उसकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल ही कम हो जाती है। व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों की माने तो जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो उसे अपनी नाक देखने में बहुत ही परेशानी होती है। उसे अपनी नाक दिखाई नहीं देती क्योंकि इंसान की गर्दन अकड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो झुक नहीं पाता। वैज्ञानिक मान्यता है कि जब इंसान की मृत्यु निकट होती है तो उसके शरीर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आने लगती है। नाक, मुंह और जीभ पत्थर के होने लगते हैं। उसे ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही किसी चीज़ का स्वाद आता है।
इस दुनिया में कौन कब आएगा और इस दुनिया से कौन कब जाएगा, ये तो परमात्मा ही निर्धारित करते हैं और वो ही बता सकते हैं। पर ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो कि गरुण पुराण में और पुराणों में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताए गए हैं, जो कि ये संकेत देते हैं कि इंसान की मृत्यु निकट है। धन्यवाद।